क्षणिक अपने सत्ता का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसका खामियाजा सत्ता के लिए महाभारत करा दिया। उसी तरह से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहे जो वोट के खातिर कुछ भी बोल जाए, कोई नहीं रोक सकता है। कुछ क्षण के लिए भरे लोग रोक ले। देखिए, मैं इस पर बोल चुका हूं, दुर्भाग्य है इस देश की राजनीति की, जो वोट के खातिर कुछ भी बोल जाती है। अगर बिहार में सरस्वती पूजा की मूर्ति की स्थापना नहीं होगी, चाहे मोतिहारी हो या मधेपुरा हो, सहरसा हो या पूर्णिया हो, तो क्या पाकिस्तान में सरस्वती पूजा की पूजा होगी? क्या बिहार हो गया है, सीरिया हो गया है, इराक हो गया है, पाकिस्तान हो गया है? बिहार में सनातन की परंपरा में विद्या की देवी है, कोई नहीं रोक सकता है। कुछ क्षण के लिए भरे लोग रोक ले, लेकिन जो हमारी संस्कृति है, सनातन की संस्कृति है, पूजा पद्धति है, सरस्वती देवी के विद्या के प्रतीक हैं, लक्ष्मी धन के प्रतीक हैं, काली शक्ति के प्रतीक हैं, इसकी पूजा करने से क्षणिक अपने सत्ता का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसका खामियाजा उस पार्टी को, उस शासक को भोगना पड़ेगा। बिहार में आरजेडी को एक मुख्यमंत्री अगर अपने मंत्रियों को नहीं समझा पा रहा है, तो यही कहा जाएगा ना कि धृतराष्ट्र जैसे सत्ता के लिए महाभारत करा दिया, उसी तरह से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहे और बिहार में धार्मिक उन्माद फैले, यही वो चाह रहे हैं। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि लाचार तो आप लोगों ने बना दिया, इसलिए क्योंकि विशेष राज्य का दर्जा उन्हें बिहार को अभी तक नहीं मिल पाया। नरेंद्र मोदी किसको बुड़बक बना रहे हैं? 5,00,000 करोड़ का है हिम्मत नीतीश कुमार जी के मंच पर हमारे नेता, हमारे मंत्री नितिन गडकरी ने प्रोजेक्ट चल रहा है ये कह दिया, इसलिए थेट्रोलॉजी उनके पास कोई है नहीं, जनता से तिरस्कृत हो गए हैं। और बिहार को बनाए बगैर हम देश को नहीं बना सकते, इसीलिए 5,00,000 करोड़ का केवल इंफ्रास्ट्रक्चर में। गाली तो दे रहे थे कि मनरेगा में पैसा नहीं, मैं इस विभाग का मंत्री हूँ, 8 साल में यूपीए में केवल 9,500 करोड़ से भी कम गया, और 8 साल एनडीए में मोदी के समय 30,000 करोड़ यहाँ दिया गया है। ये क्या छोड़िए, फारूक जी को कई उनके पास चश्मे हैं, उम्र का तजुर्बा है, फारूक जी को समझ में आ गया होगा, लेकिन राहुल गांधी को अभी समझ में नहीं आया है कि शंकराचार्य के मठ पर जाएंगे या दादाजी के इलाहाबाद के मजार पर जाएंगे, ये उनको नहीं समझ है। अगर फारूक जी को समझ आ गया है तो समझा देंगे। बीबीसी ने मोदी को